हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वाइड नॉलेज में। जैसा कि स्क्रीन पर हमें एक ज्योमेट्रिकल शेप गिवन है जिसमें कुछ डायमेंशन हमें गिवन है, जैसे कि 3, 4 और 7। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, दी गई डायमेंशन की मदद से इस शेप का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। दोस्तों ये क्वेश्चन सोल्व करना आपको आ रहा है तो वीडियो को अभी पॉज करिए और खुद से इस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करिए, और जो भी आंसर आता है उसे हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन को नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी और एच। तो हम क्या करते हैं, ए बी जो साइड है उसकी लेंथ को मान लेते हैं एक्स, बी सी साइड को हम मान लेते हैं वाई और ई एफ साइड की लेंथ को हम मान लेते हैं जेड के इक्वल। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, बी पॉइंट से सामने वाली साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं आई पॉइंट। ठीक है, तो इस प्रकार डी और आई के बीच के जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, y के इक्वल होगी दोस्तों, क्योंकि सामने वाली जो साइड है CB उसकी भी डिस्टेंस कितनी है, y के इक्वल है। ठीक है, तो इस प्रकार टोटल लेंथ 7 थी, तो ये बची हुई जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 7 माइनस y के इक्वल होगी। ठीक है, और B और I को हम आगे तक एक्सटेंड करते हैं तो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं J पॉइंट। ठीक है, तो इस प्रकार जे एफ की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, वो भी 7 माइनस वाई के इक्वल होगी। ठीक है, तो जी और जे के बीच के जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 3 के इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि इसके सामने वाली जो साइड है ए एच उसकी लेंथ कितनी है, 3 के इक्वल है। ठीक है, और अब हम जानते हैं क्वेश्चन में ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ इसकी लेंथ कितनी होगी, टोटल जी एच के इक्वल होगी। ठीक है, जी एच जो कि ये वाली साइड है। ठीक है, तो यहां से लिख देते हैं हम, ए बी की लेंथ हमने माना है एक्स प्लस सी डी की लेंथ को हम सी डी लिख देते हैं प्लस ई एफ, ई एफ को हमने क्या माना है, जेड के इक्वल। तो यहां से लिख देते हैं जेड इज इक्वल टू जी एच की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 4 के इक्वल है। तो यहां से लिख देते हैं 4। तो इस प्रकार सी डी की जो लेंथ आई है वो हमारे पास कितनी आ गई, 4 माइनस एक्स माइनस जेड के इक्वल। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, यहां पर हम फाइंड आउट करेंगे अब दोस्तों पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होगी दोस्तों, पेरीमीटर किसी भी शेप की क्या होती है, सभी साइड का सम। तो यहां पर लिख देते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी आई प्लस आई ई प्लस ई एफ प्लस एफ जे प्लस जे जी प्लस जी एच प्लस एच ए। ठीक है, पेरीमीटर को हमने लिख दिया यहाँ पर सभी साइड का सम। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पेरीमीटर आ जाएगी। तो यहाँ पर सभी साइड का हम सम करते हैं और इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं। तो ए बी की जो लेंथ है वो कितनी है, एक्स के इक्वल है। यहाँ पर लिख देते हैं एक्स प्लस बी सी, बी सी की कितनी है, वाई है। तो यहाँ पर लिख देते हैं वाई प्लस सी डी, सी डी को हम लिख देते हैं सी डी प्लस डी आई, डी आई की जो लेंथ है वो कितनी है, वाई है। तो यहाँ पर लिख देते हैं वाई प्लस ई आई ई, आई ई की जो वैल्यू है वो कितनी है, 7 माइनस वाई। तो यहाँ पर लिख देते हैं 7 माइनस वाई प्लस ई एफ, ई एफ की वैल्यू कितनी है दोस्तों, जेड के इक्वल है। तो यहाँ पर लिख देते हैं जेड प्लस एफ जे, एफ जे की लेंथ कितनी है, 7 माइनस वाई। तो यहाँ पर लिख देते हैं 7 माइनस वाई प्लस
जे जी की वैल्यू कितनी है, 3 के इक्वल है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 3 प्लस जी एच, जी एच की लेंथ कितनी है दोस्तों, 4 के इक्वल है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 4 प्लस एच ए, एच ए की लेंथ कितनी है, 3 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं एच ए की जगह 3। अब इन सबको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है, यहां से y से कैंसिल आउट कर देते हैं माइनस y को, प्लस y को फिर माइनस y से कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं x प्लस सी डी प्लस 7 प्लस z प्लस 7 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3, हमने बची हुई टर्म को ऐड करके लिख दिया है। अब नेक्स्ट टर्म में हम लिख देते हैं x प्लस सी डी प्लस 7 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 4 और प्लस 3, कितना हो गया हमारे पास टोटल 24 प्लस z, ठीक है, इनको सम करते हैं तो हमारे पास आता है x प्लस सी डी प्लस जेड प्लस 24, ठीक है, जेड को हमने आगे लिख दिया। अब हम जानते हैं एक्स प्लस सी डी प्लस जेड इनकी वैल्यू क्या है दोस्तों, 4 के इक्वल है, तो यहां से इसकी वैल्यू क्या लिख देते हैं, 4 प्लस 24 एज इट इज, तो हमारे पास टोटल जो आ गया इसका सम वो आ गया 28, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का पेरीमीटर है, तो हमारे पास आ गया आंसर 28, जो कि क्या है, टोटल पेरीमीटर है गिवन शेप की। दोस्तों यही क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर और वीडियो को लाइक करना नहीं भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।